योगा करा रहे हो, यूं 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 पेट में खाना नहीं योगा कराया जा रहा है, जेब खाली है खाता खुलवाया जा रहा है, खाने को खाना नहीं है शौचालय बनाया जा रहा है। ठोको ताली, टिका के ठोको। ये तुम्हारा इंसाफ है गरीब के साथ? ये तुम्हारा इंसाफ है? अरे काले अंग्रेज, हिंदुस्तान को आजाद कराया था चाचा नेहरू ने गोरे अंग्रेजों से, तुम काले अंग्रेज हो जिन्होंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के 24 लाख करोड़ सरकारी बैंकों के बाहर भेज दिए। उन चोरों का नाम तुम नहीं बताते, 6000 बंदे जिन्होंने स्विस बैंकों में पैसे जमा कराए। जर्मनी ने कहा हम नाम बताने को तैयार हैं, तुमने वो नाम नहीं लिए। और तुम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हो और सिद्धू पे उंगली उठाते हो। अरे नरेंद्र मोदी, मैं तुम्हें डंके की चोट पे कहता हूं, पेट्रोल पंप पे चले जाओ, तुम्हारा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे, रंग सुनहरा, यूं खड़ा देखा, ऐथे रख तेरे पैड़े पैड़े यार मेरी फतो दे। अंबानियों के पंपों पे, अडानियों के पंपों पे तुम्हारी फोटो लगी होती है, क्यों क्यों लगी होती है? तुमने BSNL से आज तक फोटो नहीं खिंचवाई, जियो धंधनाथन की ऐड करते हो तुम, प्राइवेट कंपनी की ऐड करते हो, क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि तुम एक जोंक बन चुके हो, आम आदमी का खून चूसने वाली। सरकारें टैक्स लेती हैं भंवरे की तरह, भंवरा फूलों से रस लेता है, फूल भी आबाद और भंवरा भी आबाद। तुम 11 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल से तुमने टैक्स लिया, जहां यूपीए की सरकार ने 4 लाख करोड़ लिया, तुमने 11 लाख करोड़, 300 से ऊपर परसेंट, 370 400% ड्यूटी डीजल पे, 270% पेट्रोल पे। ओ मोदी, ओ बेड़ा भेज हो तेरा, ओ बेड़ा गर्क करने वाले, मैं बोल रहा हूं 37 रुपए का पेट्रोल और 47 रुपए का टैक्स, गरीब का पैजामा 200 रुपए का और नारा 1200 रुपए का। ठोको ताली, ठोको 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 ताली, टिका के ठोको गुरु। 200 रुपए का पजामा, 1200 का नाड़ा, 11 लाख करोड़। मैं कहता हूं तुमने इस देश को बेचा मोदी, 32 लाख करोड़ 5 साल में कर्जा चढ़ाया तुमने हिंदुस्तान पे, 7 लाख करोड़ रुपया एक साल। कोई बोलने वाला है? मैं, ये प्रेस वाले खड़े, इससे 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सवाल पूछ चुका हूं, आज फिर पूछता हूं, एक दिन में 2200 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के अमीर एक दिन में कमाते हैं, और एक दिन में 2200 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के खजाने को कर्जे में जाता है, क्या यह तेरा इंसाफ है? 7 लाख करोड़ एक साल में चढ़ा दिया तुमने हिंदुस्तान के नवजात शिशु के सर पे कर्जा, जो 50 लाख करोड़ चढ़ा 64 साल में, यह तेरी राष्ट्रभक्ति है नरेंद्र मोदी? और तुम समझते हो मोदी के 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। जीतू भाई, मोदी सोचता है 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। हंस लो पर ताली ठोको जरा जोर से। हाँ, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी, और मोदी के भक्तों ने खोद के निकाला है भारत। हंस लो ताली। हाँ, खोद के निकाला है भारत। मैं कहता हूं नवजोत सिंह सिद्धू, सुन मोदी, काले अंग्रेजों की क्यों बात करता हूं? क्योंकि तुम ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बेहतर हो, बदतर हो तुम। मैं कहता हूं, प्रमाण देता हूं कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तो अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान का संविधान बना दिया था। जब तुम अपनी मम्मी की गोदी में सोजा बेटा सोजा लल्ला लोरिया सुनते थे, तो चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में यान भेज दिया था। ठोको ताली। तुम बात करते हो कांग्रेस की, तो सुनो नरेंद्र मोदी, जब तुम पालने से निकले थे और पुला पुला चलने लगे थे, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन गया था, भाखड़ा डैम बन गई थी, जिस दिन तुम स्कूल की तरफ जाना शुरू हुए थे तो IIT बन गए थे,
आईएएम बन गए थे, और जब तुम वो लाठियां लेके आरएसएस की शाखा में टिक्कू 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 कर रहे थे, तो हिंदुस्तान 3 जंगे जीत चुका था। ठोको ताली, पोतले खोल के जाऊंगा मोदी तेरे। अगर जवाब देना हो तो देना, आगे किसी गली किसी मोहल्ले किसी चाल तेरे घर ये गुरु गोविंद सिंह का सिख अकेला आएगा, अकेला। और अगर तूने ये प्रमाणित कर दिया कि तू गरीबों का है, तो राजनीति सदा के लिए छोड़ के जाएगा गुरु गोविंद सिंह का ये सिख। आ मैदान, आ मैदान में नरेंद्र मोदी। मेरे गुरु ने कहा, बंदाओ चंगा जड़ा वचन दा पक्का, और औरत वो चंगी जिसकी आंखों में शर्म और हया होती। और कौन सा वचन निभाया है तूने? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि जीएसटी मुद्दा था मोदी, यदि नोटबंदी मुद्दा था, तो लड़ उन मुद्दों के ऊपर। आज ये प्रेस वाले पता नहीं दिखाते क्यों नहीं। आओ, मैं कहता हूं लड़, बोल कि जीएसटी पे लड़ेगा। व्यापारी मार डाले तूने, तेरी जीएसटी से बाहर माल्या की शराब, तेरी जीएसटी के बाहर अंबानी का तेल, तेरी जीएसटी से बाहर अडानी की बिजली, ये तेरा जीएसटी है। छोटा व्यापारी जो एक छोटी सी जगह पे एक्साइज देता था, और बड़ा व्यापारी सारे हिंदुस्तान में देता था, बड़े व्यापारी का टैक्स नीचे आ गया और छोटे का बढ़ गया। छोटा व्यापारी पहले 10 कर्मचारी रखता था, अब उसकी दुकान पे आते हैं 10 सरकारी अधिकारी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट पै गया पंबड़ पूछा। ठोको ताड़ी, ये तेरा इंसाफ है? बाहर से विदेशों से ब्लैक मनी नहीं लाया तू? एक बंदे का नाम नहीं बताया? और यहां जो काला धन था उसे गुलाबी करके अपने बैंकों में जमा करा लिया। 735 करोड़ अमित शाह के बैंक में, 670 करोड़ जयेश भाई मंत्री के बैंक में, अभी तक जवाब नहीं आया। मुंडे की बेटी के 700 करोड़ लाखों करोड़ रुपया जमा कराया और गरीबों को लाइन में खड़ा कराया। और कोई अडानी खड़ा हुआ तुम्हारी लाइन में था? कोई अंबानी खड़ा हुआ? कोई अंबानी मरा है? तो ये इंसाफ है तेरा नरेंद्र मोदी? ये इंसाफ है? 2 करोड़ नौकरी बोली थी नरेंद्र मोदी तुमने, 2 करोड़ नौकरी। अबे ना राम मिला ना रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला। ठोको ताड़ी, बोले सोनिहाल। एजेंटों का राज बना दिया, युवा रोजगार से गया। बहनों भाइयों पकड़ लो पूंछ, बहनों भाइयों। अब नहीं करता बहनों भाइयों, अब आ मुद्दों पे। भगौड़ा है तू नरेंद्र मोदी, भाग रहा है मुद्दों से, अब बोलना। 2 करोड़ नौकरी, मैं बोलता हूं तुम्हें सच सच बोलता हूं, 2 करोड़ नौकरी से 10 करोड़ नौकरी मिलनी थी 5 साल में मोदी के अनुसार। मिली कितनी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है 8 लाख नौकरी मिली, 25 लाख नौकरियां भरी नहीं। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि 25 लाख नौकरी भी भरूंगा, और जो गरीब है जो किसान है जिसके घर एक टाइम रोटी नहीं बनती, 72,000 रुपया उसके घर भी भेजूंगा। ये वचन है राहुल गांधी का। कहा था किसानों का कर्जा माफ करूंगा, 2 घंटे में माफ हो। ठोको ताड़ी, एक ने जो कहा वो किया। अरे तू कहता है अब की बार मोदी सरकार जीतू भाई, एक मेरा नारा भी लगा देना जब ये कहना अब की बार मोदी सरकार, तो तुम कहना बस कर यार, अब की बार ओ बस कर यार। मैं कहता हूं अब की बार, तुम कहना बस कर यार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। हाँ, आज मैंने ये कहा, मैंने कहा मोदी उस नई व्याही हुई दुल्हन की तरह है जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खड़काती है। हंसलो हंसलो पर तारीफ होको, मैं बात पूरी करूंगा। मोदी उस नई ब्याही दुल्हन की तरह है, बड़ी इसको मिर्ची लगी, पर मैं बताता हूं क्या है। मोदी उस नई
दुल्हन की तरह है जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खड़काती है ताकि मोहल्ले को पता लगता रहे कि वो बड़ा काम कर रही है। यही मोदी सरकार में हुए ठोकोताड़ी। तो वो एक इसका प्यादा खुद तो जवाब देता नहीं, प्रधानमंत्री अपने आप को बड़ा डाउन समझता है, ये तो प्रेस से भी बात नहीं करता, अब नहीं होती, अब तो हीरो हीरोइन से बात करता है। क्या जमाना आ गया भाई, क्या जमाना आ गया, पत्रकार सियासत कर रहे हैं, एक्टर इंटरव्यू ले रहे हैं और सियासतदान एक्टिंग कर रहे हैं, क्या बात है। मैंने सुना था कि बीजेपी का नेता और अभिनेता दोनों बेवकूफ बनाते हैं, अभिनेता 3 घंटे के लिए बनाता है और बीजेपी का नेता पूरी उम्र बनाता है बेवकूफ। ठोको ताली। हाँ तो बात बहू की आ गई कि मोदी वो बहू के समान है जो चूड़ियां ज्यादा खड़काता है और काम काम करता है। तो इसका एक वो प्यादा है, वो टिंकू टाटरा, क्या नाम है उसका, टिंकू टाटरा जो 7000 पे काउंसलर हरा है, संबित पात्रा। अच्छा टाटरा, क्या पता नहीं क्या पात्रा, ओ यार हाँ वो मेंढक, मेंढक की तरह, हाँ बस बस वो जो मौसमी मेंढक होता है ना, टर्र तो कोयल चुप रहती है। ठोको ताड़ी, इसको भाव क्यों देना। तो मैं उसको बताता हूँ टाटरे फाटरे को, है कोड़किल्ली है और शतीरी को जफ्फा डालने की कोशिश कर रही है, है उसको बता देते हैं। और हाथी चले बीच बाजार, आवाज ना ना ना, ना आवाजें आए 1000, सब समझ जाएंगे, इसकी आवाज आ रही है, सब समझ जाएंगे, सब समझ। तो सुनो टिंकू टाटरा, या क्या है टिंकू टूटरू, क्या है जो भी है, जो भी है, चलो जो सुन। तू बात करता है महिला सशक्तिकरण की, तू बात करता है महिलाओं के सम्मान की, अरे जहां तू अपनी फोटो लगाए बैठा है ना उज्ज्वला स्कीम में, वो महिला भी सिलेंडर खरीद नहीं पा रही और वो भी फूंक रही है चूल्हा, फूंक फूंक फूंक। ठोको ताली। तू बात करता है महिला सशक्तिकरण की, जब मामा का राज था 15 साल, ये मध्य प्रदेश बलात्कार में एक नंबर एक, छत्तीसगढ़ में 25,000 लड़कियां जाके बंबई की मंडियों में बिकी टिंकू टाटरा, सुन तेरे कानों की मैल निकालता हूं मैं आज। बीजेपी के स्टेटों में 15 साल में 532% इंक्रीज, 532 इंक्रीज इन रेप केसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के साथ 532% कन्विक्शन रेट लोएस्ट, किसी को सजा नहीं हुई। निर्भया स्कीम में सिर्फ 16% पैसे खर्चे हैं, औरत की इज्जत बचाने वालों ये किया तुमने। और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम, उसका 400 करोड़ टोटल 700 करोड़ में से 400 करोड़ मोदी फोटो खिंचाने में लगा गया, फोटो मोदी की फोटो, अखबारों में विकास कराया, लोगों का मूर्ख बनाया, कूटने और लूटने से वेल नहीं मिला यारो, धूड़ू में टट्टू उड़ाया। ठोको ताड़ी। ये तुम्हारी महिला संरक्षण है, बेटी बचाओ बेटी बनाओ। मैं कहता हूं मोदी प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माता की, भारत माता की। टाइम हो गया, मैं एक ही बात कहता हूं, मेरे रब तुसी हो। कौन कहता है परमात्मा मंदिर मस्जिद में छुपा है, जैसे तिलों में तेल सागर में ले रहे फूलों में खुशबू गन्ने में गुड़, वैसे मेरा परमात्मा तुम्हारे दिलों में हरि नारायण अल्लाह वाहेगुरु बन के छुपा है। मैं पंकज भाई के लिए यही कह रहा हूँ, अपना बना लो गुरु, सुख दुख का साझी बना लो। सिद्धू तुम्हारा धन्यवाद करने एक बार फिर आएगा, लेकिन इस बार जश्न मनाएंगे, मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल साहित्य टीवी।